नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा और आज मैं बात करूंगा सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन को लेकर के और लखनऊ विश्वविद्यालय की एलएलएम प्रवेश परीक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पे। साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। लोगों को अपने मार्क्स देख करके पता चल गए होंगे कि हमको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कुछ लोगों को एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा, लेकिन उनकी चॉइस है कि वो कैंपस से पढ़ें। तो अभी ऐसे लोगों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का विकल्प बचा हुआ है और सीयूईटी पीजी के जरिए भी किसी ना किसी जगह पर उनको कोई ना कोई अच्छा विश्वविद्यालय मिल ही जाएगा, अगर उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही तो। हम बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम प्रवेश परीक्षा की। तो अभी तक जो आवेदन करने की तिथि थी वो 30 जून थी और आज शाम को लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथि को 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है। जिन लोगों ने किसी भी कारण से आवेदन नहीं किया है या वंचित रह गए हैं कर पाने से, तो वो लोग 17 जून तक अप्लाई कर सकते हैं और मुझे लगता है तब तक सीयूईटी पीजी का भी रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो जिन लोगों का इन दोनों जगह पर नहीं होता है, उनके पास एक अच्छा विकल्प है, वो यहाँ अभी तैयारी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि प्रवेश परीक्षा का फॉर्म 17 तारीख तक भरा जा सकता है, तो हम लोग इस आधार पे ये कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम प्रवेश परीक्षा वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही संभव हो पाएगी। ये हमने पहले वीडियो में भी कहा था और फिर कह रहे हैं। तो हो सकता है कि अगस्त भी चला जाए, अगस्त का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। तो आप लोगों के पास अच्छा समय है, पर्याप्त समय है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अभी और रिवीजन कर सकते हैं। और लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी की यदि हम बात करें, तो चूंकि 2019 के बाद से प्रवेश परीक्षा यहां पर एमसीक्यू पैटर्न से हो रही है, मैं तब से लगातार यहां की हर परीक्षा देख रहा हूं। जो भी छात्र प्रवेश लेकर के आ रहे हैं उन सबसे बातें होती हैं, हम लोग परीक्षा का क्या पैटर्न है उन चीज़ों को समझते रहते हैं। चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन पेपर नहीं देता है आपको कैरी करने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, तो इस वजह से क्या प्रश्न पूछे गए ये तय कर पाना बहुत ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से जो है कोई किताब भी नहीं उपलब्ध है मार्केट में जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक जगह आपको मिल सकें। तो हम लोग इसी आधार पे बताते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे हमने अनुभव किया या जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, तो उन सबसे पूछ करके हम लोग ये तय करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं या किस प्रकार का इनका पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। तो हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि किन 7 विषयों से प्रश्न होते हैं। उसमें ज्यूरिसप्रूडेंस है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, फैमिली लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लॉ है। अलग अलग सत्र में अलग अलग विषयों से प्रश्नों की भरमार रही है। ज्यूरिसप्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल लॉ है, इन तीनों का हम हर परीक्षा में डिसाइसिव रोल रहा है और अच्छी संख्या में इनसे प्रश्न आते रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और ये जो एक महीने का या 15 दिन का जो समय मिल रहा है उसमें आप अधिकतम से अधिकतम बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप अभ्यास करें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर कोई नई जानकारी हमको मिलती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और फिलहाल इतना ही, याद रखिए लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम प्रवेश हेतु आवेदन करने की तिथि 17 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जो लोग नहीं अप्लाई कर पाए या जिन लोगों को जानकारी नहीं थी वो अभी आवेदन कर सकते हैं 17 जुलाई तक। धन्यवाद।